हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कैसे हो दोस्तों आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही हो गए। रोज की तरह स्वागत है आपको मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों 2 दिन हो गया, अभी दिवाली चल रहा है, दिवाली का शुरुआत हो गया है। कल धनतेरस था, बड़ा धनतेरस था, आज फिर छोटा धनतेरस है, फिर कल दिवाली है। तो आप लोग ने धनतेरस का शॉपिंग तो श्योर किया होगा, किसी ने सोना खरीदा होगा, किसी ने गाड़ी खरीदा होगा, किसी ने फ्रिज खरीदा होगा, लेकिन हम लोग ने कुछ भी नहीं खरीदा। मार्केट जाने का टाइम ही नहीं हुआ, इसका इनका तो ड्यूटी था। अभी मम्मी गई थी मार्केट, मम्मी कुछ लेके आई है, हम लोग तो कुछ लेके नहीं आए। हम लोग सोच रहे हैं कि आज जाएंगे, क्योंकि 2 बजे ड्यूटी है ना, तो अभी फटाफट काम खत्म कर लेंगे, ब्लॉग व्लॉग बना लेंगे, उसके बाद जाएंगे सोच रहे हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए रोज की तरह सुबह की शुरुआत, दिवाली वाली शुरुआत करते हैं एक कप चाय पी के। अभी ना हम लोग ना लाल चाय पी रहे हैं, दूध चाय पीना छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग सबको ना गैस हो रहा था, गैस गैस का वजह से हम लोग ने अभी मैंने आज लाल चाय बनाया, तो हम लोग सोचे कि लाल चाय पियेंगे। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं लस्सी वाली चाय का साथ में। तो देखिए दोस्तों साग कितना अच्छा लग रहा है ना, साग पूरा ताजा ताजा, साग तो खाना चाहिए, ये सब तो विटामिन है। जब मेरा बाबू था पेट में ना, मैं बहुत साग खाती थी। बोलते हैं कि साग खाने से बाल ज्यादा होता है, बच्चा लोगों का, मेरा बाबू का तो बाल ही नहीं था, इधर तो टाकलू था, उड़ गया था बाल। चलिए दोस्तों इसको रख लेते हैं, पहले सबसे पहले चाय पीते हैं, चाय ठंडा हो रहा है। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। तो दोस्तों देखिए चाय हो गया मेरा रेडी, मैंने लाल चाय बनाया है। अभी तो और ज्यादा ठंडा शुरुआत हो गया, ठंडा हो गया तो हम लोग तो और ज्यादा चाय पीते हैं। ये ना दोबारा है, सबसे पहले सुबह उठ के 5 बजे चाय बनाई थी मैं, उसके बाद में हम लोग पिए थे, फिर ना मैं अभी दोबारा चाय पी रही हूँ। तो चलिए दोस्तों चाय पी लेते हैं दोस्तों। इनको ना ये बोलते हैं कि अभी दूध चाय मत बना, मेरे को पूरा गैस होता है बोल के मैं ना लाल चाय पीते हैं ना, तो मुझे तो दूध चाय ही बिना पसंद है, लेकिन क्या करे, अब एक जन को लाल चाय एक जन को दूध चाय तो बनाना नहीं होगा ना, इसलिए लाल चाय पीते हैं। चलिए दोस्तों चाय पीते हैं। चाय उधर साग लेने का चक्कर में चाय भी मेरा ठंडा हो जा रहा है, कालो सुसा ठंडा हो जा रहा है चाय। पूरा पेट गर्म हो गया है, पेट में पूरा चाय पिए तो पेट पूरा गर्म हो गया दोस्तों। चूंदे से पानी। तो दोस्तों चाय पी के तो हो गया खत्म, तो अभी हम लोग करते हैं घर का काम शुरू। मेरा जो डेली का रूटीन है, तो मैंने सबसे पहले आज किचन बहुत गंदा हो गया था, रात को सफा नहीं की थी, तो मैं अभी ना पहले सबसे पहले किचन को सफा कर देती हूँ, ये सबको पोछ पाछ दूंगी, उसके बाद में अभी जब तक बाबू सोया है तब तक काम होगा। आजकल तो और परेशान करता है, खाली किचन या बाथरूम जाता है, 2 दिन से मेरे को बहुत हैरान कर रहा है। इसका पापा भी चले जाते हैं ड्यूटी, और तो किसी से वो मानता नहीं है, मैं पूरा अकेले परेशान हो जाती हूँ। और मम्मी का साथ में तो वो मानता नहीं है, क्या करे, अकेले ही मेरे को देखना पड़ता है बाबू को। दोस्तों धनतेरस में आप लोग क्या क्या लिए हो? दोस्तों हम लोग तो कुछ भी नहीं लिए छी, जाएंगे सोच रहे हैं, तो अभी टाइम होगा कि नहीं होगा? सुसा जाएंगे क्या? मजा तुम बाबू को देखना, हम मेरा स्कूटी लेके जाएंगे, वाह हम जा सकते हैं, खाली बाबू को तुम देख देना। देखिए दोस्तों ऐसा है, पति सबका हस्बैंड अपना अपना बीवी को ले जाके क्या क्या खरीद देता है ना, पैसा नहीं है बोलता है, पैसा तो बहुत सारा रखा है पॉकेट में, नहीं निकलता है, बहुत सारा कंजूस है, कंजूस। दोस्तों किचन तो सफा कर लिया, अभी मैं फटाफट मार लेती हूँ झाड़ू। इधर कल सफा किए तो कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा साफ लग रहा है रूम तो। फटाफट झाड़ू उड़ू मार लेते हैं, बाहर में भी सफा करना है आज, तब जाके ना लीची लाइट उइट लगाएंगे, उसका बाद में जाएंगे बाजार फटाफट खाना बना के।
फटाफट झाड़ू उड़ू मार देंगे। अरे यहाँ बोम को ले आयन ले ले रहा थे जो भाई और किंचा की दोस्तों मैंने बोम पड़का दिया पट्ट से ना पड़का, मेरे को ना बहुत डर लगता है ये बोम। एक तो इधर ओस ये पूरा बालू आओ इधर ना, एक तो बोम बचा था तो मैंने उसको फेंक दिया तो वो पड़क गया। मेरे को ना बहुत डर लगता है दोस्तों, ज्यादा बोम पटाखा उठाखा मत पड़काइएगा। आप लोगों भी अच्छा से सेफ होके रहिएगा। मम्मी तुम भी ज्यादा बोम नहीं पड़काना बोल दे रहे थे। तो दोस्तों मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, देखे ना लूसी का बाल सब झड़ के ना पूरा घर भर बालू बालू पूरा बाले बाल होता है दोस्तों। इधर भी सफा करना है पूरा। फटाफट झाड़ू मार लेते हैं। इधर अभी पूरा लूसी का बाल सूसा है। एक गाड़ी सबको इधर करके एक साइड कर देना ना। हाँ इधर भी सफा करना है, देखिए ना कितना गंदा हो गया इधर। इधर ये सब को हटा के इधर हम लोग अभी सफा करेंगे। अब झाड़ू मार लेते हैं। मैंने कल ये वाला झाड़ू लिया धनतेरस में, ऐसे एक्चुअली में झाड़ू तो झाड़ू ही है ना, दूसरा भी झाड़ू लेके आऊंगी। झाड़ू मार रही हूँ दोस्तों, देखिए बाहर में अभी तो बहुत सारा सफा करना है। इधर भी इच्छा उठा के थोड़ा फेंक दो बोली तो नहीं फेंक दिया। सानू मामा तो पी के घूम रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इधर सफा कर रही हूँ, उधर का तो सफा हो गया है, अभी मैं इधर का सफा करूंगी सबको हटा के। ये सब फूल मैंने 10 रुपए में लाया था, इतना छोटा छोटा था, सब बड़ा हो गया अभी। कितना अच्छा फूल हुआ है, अभी इधर फूलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। वाह सब में कोपिला हो गया है, मेरे को तो कितना खुशी लग रहा है सब देख के। वाह इसमें देखो तो कितना अच्छा कली हुआ है, देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा कली हुआ है। ये बड़ा वाला फूल है मेरे को जहां तक लगता है। ये सब तो नहीं होगा, सबको निकाल के फेंक देंगे, इसमें दूसरा लगाएंगे। नहीं उसको नहीं खरीदे थे, खरीद के ये वाला लाए थे। इधर तो सफा हो गया है, इधर से झाड़ू मार देती हूँ। ये ना हम लोगों का कुआं है, इधर नीचे में पानी है। अब इधर जितना भी इसको उखाड़ के फेंकेंगे ना उतना ही आएगा, क्या करें, झाड़ी उड़ी पूरा परेशान हो जाते हैं वो। यह कमर दुखे यार सुसे। निकाल देते हैं घास सबको, नहीं निकालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। नहीं अभी तो ऐसे भी अभी इधर पानी नहीं आएगा ना, धूप लगेगा तो अपने आप सूख जाएगा ऐसा। दोस्तों मैंने इधर झाड़ू कर लिया है, अभी मैं सब फूल सबको इधर ले जाके सजाऊंगी।
ना, तो दाम ही दिखेगा, दाम ही अच्छा लगेगा फूलने के बाद में। इसको एक जगह सब पे एक साइड करके एक जगह में सजा के रख दूंगी। फूलेगा तो मस्त गजब लगेगा यार सुसे। देखिए दोस्तों इतना तो मैंने कर ही लिया है। बाबू उड़ गया था ना तो मैं भाग गई थी बीच में, तो फिर एक बार उड़ जाएगा तो परेशान करता है पूरा। ये वाला ना मैं उस दिन गई थी तो लेके आई थी, वही वाला है, अच्छा हुआ है ये वाला भी। खा के फेंक देने से कट नहीं सकूंगी, पूरा इसका चेर उर सब पकड़ा हुआ है, पाइप टूट जाएगा। नहीं चप्पू लाने से ठीक रहता है। ये सब में तो फूल नहीं होगा जो, फिर भी बाद में सबको निकाल के फेंकेंगे। ऐसा काम करने से थक जाते हैं, क्या काम करेंगे यार अभी से ऐसा। ए चुप, तो मैंने घर का काम तो सब कर लिया, बाहर में भी सफा कर लिया। ऐसे तो सफा करना बहुत सारा है लेकिन मैंने इतना ही किया क्योंकि बाबू सोया है, तो मेरे को उठ के और काम करना है बाद में अभी। तो मेरा आज का ये वीडियो को मैं इतने में समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धनतेरस आज भी है, आप लोग आज भी जाइए मार्केट और धनतेरस का शॉपिंग कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।